जिंदगी भर बापूजी ने हम पे खुशियां लौटाई तो क्या हम अपने बापूजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? उनके इलाज के लिए पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हम? आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है, हम बापूजी का इलाज जरूर करवाएंगे। हाँ माँ, चाहे वो गरोड़िया परिवार की खुशियां हो या हो करोटिया निवास, ये वादा है मेरा और मेरी बेटियों का आपसे। आज ये सावित्री भी इस परीक्षा में अपनी बेटियों के साथ है। मेरा सुहाग लौटा है लेकिन उनकी जिंदगी नहीं। अगर मेरी सांसें चलेगी तो उनकी जिंदगी वापस लाने के लिए हम बापूजी की जिंदगी उन्हें वापस लौटाएंगे। उन्हें वो सब कुछ वापस मिलेगा माँ, जो उन्हें मिलना चाहिए और अब तक नहीं मिला। अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी उनकी बेटियां उनके हक के लिए, और जीतेंगे भी। कर प्रॉपर्टी बिजनेस मान सम्मान सब कुछ बापूजी को अब उनकी ये बेटियां लौटाएंगी, और ईश्वर को वापस करना होगा माँ। प्रिंस है? मैम प्रिंस तो चले गए। चले गए जी? अच्छा, वापस कब आएंगे? मैम प्रिंस चेकआउट करके चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? जी मैम। कब, कब गए? अभी, बस अभी अभी। रुक जाइए, अब मत जाइए। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, मेरा मतलब आप अब मत जाइए। नहीं पवित्र, हमें जाना होगा। हमारे राज परिवार में अपने से बड़ों की बातों को नहीं टाला जाता। आज तक हमने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है हमारे दादाजी ने बिना मांगे हमें दिया है, और आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने हमसे कुछ मांगा है, और उनकी बात को ना कहने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी हम यहां रुके तो भी किसके लिए, कौन है हमारा, कौन है हमारा जो हमारा ख्याल रख सके? जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने हमारे दिल में उम्मीदें जगाई थी, जिससे हमें प्यार हो गया था। लेकिन किस्मत देखिए ना, वो तो पहले से ही Thank you.
मैं जानती हूँ तुम्हारा वो प्यार मैं हूँ, लेकिन मैं शादी कैसे रुकवाऊँ? कैसे? हेलो, देखिए मैं डॉक्टर अनिरुद्ध देसाई बोल रहा हूँ। अब भाई जो मुंबई के बहुत बड़े न्यूरोसर्जन हैं, आपसे कांटेक्ट करने की हम कब से कोशिश कर रहे थे। दरअसल मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गया हुआ था, कल रात को ही वापस आया हूँ। सेक्रेटरी ने कहा कि आपका फोन था। आपका पेशेंट काफी सीरियस है। हाँ, उनकी तबीयत तो काफी सीरियस है, लेकिन देखिए जैसा आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पेशेंट रियली काफी सीरियस है और इस वक्त उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लाइट से ही आपके यहाँ आ रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। लेकिन आपका आना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना। ओहो, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए पहले मेरी वजह से उनके इलाज में काफी डिले हो चुका है, अब मैं पैसों की वजह से उनके इलाज में डिले करूँ यह गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी फीस? देखिए मुझे लगता है कि आप पैसों को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं। देखिए पैसे वैसे की बात तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले उनका इलाज तो शुरू हो जाने दीजिए। मैं आपके यहाँ पे कल के फर्स्ट फ्लाइट से ही आ रहा हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ देम। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर। जिस बात की चिंता थी उसी ने चिंता दूर कर दी। डॉक्टर का सामने से फोन आना किसी चमत्कार से कम नहीं। माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुंबई के इतने बड़े डॉक्टर बापूजी का इलाज करने आ रहे हैं। और माँ, हैरानी की बात तो यह है कि मुंबई से यहाँ आने के लिए उन्होंने कोई एडवांस भी नहीं लिया। हाँ, आखिर भगवान ने एक दुखियारी माँ की सुन ही ली। हाँ, दुनिया से इंसानियत खत्म नहीं हुई है। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। सच कह रही हो सावित्री, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके लिए आदमी की जिंदगी पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की हम पर जिसने ये फरिश्ता भेजा है। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। रणवीर साहब, आप आइए आइए आइए। जी आप मुझे रणवीर कह सकते हैं। आइए। वैसे आज मैं अपने काम से आया हूँ। तो कहिए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं हम। जीते रहो बेटा। हाय क्षितिज। आप? हाय। जी नमस्ते। अब कैसे आना हुआ यहाँ? जी एक्चुअली मुझे आज दुर्गा जी से काम है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है और आई होप कि वो इनकार नहीं करेंगे। एक मिनट। दुर्गा, देखो कौन आया तुम सब मिलने।
दरअसल आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। कहिए। जी, हमारा एक स्कूल है जहां हम गरीब लड़कियों को डांस सिखाते हैं। हम एक अच्छे डांस टीचर की तलाश है, अगर आप उन्हें डांस सिखा सके तो। हालांकि एक चैरिटी स्कूल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सैलरी मिल सके। वो आज स्कूल कमेटी में बात चली तो आपकी याद आ गई। मान लीजिए ना, इट्स अ रियली गुड ऑफर। जॉब के साथ साथ आपको एक सोशल सर्विस करने का मौका भी मिल जाएगा। देखिए, हमारे नए बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं, अगर आप हाँ कर देती तो। वैसे हम सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। क्या आपको मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया? नहीं, मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है। दुर्गा दीदी, अरे आपको घर बैठे इतना अच्छा मौका मिल रहा है और आप सोच रही हैं, इसी बहाने आपका डांस का शौक भी तो पूरा होता रहेगा ना। अरे दुर्गा, लक्ष्मी सही कह रही है। दुर्गा, कितनी अच्छी ऑफर है, अगर मुझे मिली होती ना तो मैं कब का हाँ कर चुकी होती। हाँ दीदी, पर मुझे अपने बड़ों की राय जाननी है। मोटी बा, बताइए ना, मैं जाऊं कि नहीं? तू देख ले बेटा, जैसा तू चाहे। आज तक तुम लोगों ने अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं किया, हमेशा हमारी इच्छाओं को बड़ा समझा है। पर आज मैं चाहती हूं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी के फैसले तुम खुद लो। मुझे पूरा भरोसा है हमारी बेटियां कुछ गलत नहीं करेंगी। आज सूर्यकांत ठीक होता तो वो भी यही कहता, हम बड़े तुम्हारे साथ हैं। वाह, रणवीर जी, थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छा ऑफर दिया। जी थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि हमें आप जैसी अच्छी डांस टीचर मिल गई। अच्छा दुर्गा जी, चलता हूँ, चलते हैं। दुर्गा दीदी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस ऑफर के लिए हाँ कर दी। वैसे भी हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। बा, माँ, अब आप देखिएगा, हम बहुत जल्द इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि बापूजी का इलाज अच्छी से अच्छी जगह करवाएंगे। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा बेटा सूर्यकांत ठीक तो हो जाएगा ना? माता जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सूर्यकांत जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, उन्हें ठीक होने के लिए कितना टाइम लगेगा? हमें बहुत चिंता हो रही है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, उनकी कंडीशन तो काफी सीरियस है, बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उनके स्पाइनल कार्ड में चोट पहुंची है और इसी वजह से उनकी दिमागी कंडीशन भी ठीक नहीं है और उनके सेंसेस भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।
उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। एडमिट? लेकिन देखिए, आप मेरी फीस की चिंता मत कीजिए, मगर हाँ, हॉस्पिटल के लिए 50 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ओके, आई विल टेक यू लीव नाउ। या डॉक्टर, बाय। थैंक यू। बा, 50 लाख रुपए, हम इतने कम वक्त में इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? बा, आपके कहने पर मैं अभी भी सूर्यकांत जी को चेक करके आ रहा हूं, बट आई एम रियली हैव टू से हिज कंडीशंस आर वेरी पुअर। दरअसल बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट पहुंची है, और शायद यही वजह है कि उनका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर हमें उनका इलाज जल्द से जल्द करना पड़ेगा, और इस इलाज में काफी खर्च आएंगे, यही करीब 50 लाख रुपए। डॉक्टर, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं चाहता हूं कि वो हर हालत में ठीक हो, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर उनका ठीक होना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। ये लीजिए, आपकी फीस, आपकी फ्लाइट टिकट और आपके बाकी के खर्चों का चेक। बाबूजी का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे बहुत अनमोल चीज मांग रहा हूं, वो है मेरे बाबूजी की जिंदगी, और आपको कुछ भी करके उन्हें ठीक करना ही होगा। एनीवेज डॉक्टर, थैंक फॉर कमिंग। इट्स ओके करण, आफ्टर ऑल इट्स माय ड्यूटी, आई विल टेक यू लीव नाउ। बापूजी, आपकी और आपके परिवार की खुशियां वापस करनी है मुझे, आपको ठीक होना ही होगा बापूजी, मेरा प्रायश्चित पूरा करने के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, आपको ठीक होना ही होगा बापूजी, ठीक होना ही होगा।